कोलार के मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाले कोलार के इस इदारे में एक अनोखी कैंटीन की बुनियाद रखी गई है। इस कैंटीन की ख़ास बात यह है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अपनी ईमानदारी को दिखा सकता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे शॉपकीपर नहीं है इस कैंटीन में, इस दुकान में दुकानदार नहीं है। कोई भी सामान यहाँ से आप ले सकते हैं और उसकी जो कीमत है वो खुद ही जो है वहाँ पे रखना होगा, जमा करना होगा, बॉक्स में डालना होगा। इस कैंटीन को आप देख सकते हैं, एक छोटा सा कैंटीन है, एक अनोखा अनोखी पहल है बच्चों को ईमानदारी से जोड़ने के लिए। एक ख़ास तरह की एक मुहिम शुरू की गई है इदारे की जानिब से। आप यहाँ देख सकते हैं खाने की चीज़ें रखी हुई हैं, खाने पीने की, और इसमें कीमत भी लगाई गई है। यहाँ पे ये जो बोतल है इसमें चॉकलेट्स रखे गए हैं, उसकी कीमत उसके साथ में चस्पा है। और यहाँ पे जो भी बच्चे इससे उठाएंगे यहाँ से, और उसी हिसाब से वो खुद ही हिसाब करेंगे कि कितना हुआ, और उसके बाद इसकी जो रकम है वो यहाँ पे एक डिब्बा है, कैश बॉक्स है, और उस कैश बॉक्स में ही वो अपना जो डिपॉजिट है, जो भी बिल है वो जमा कर देंगे। इस तरह की एक मुहिम इसलिए शुरू की गई है कि बच्चों में ईमानदारी का जज्बा हो। जिस तरह से रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता, अगर वो पानी पीना चाहें तो वो छुप के पानी पी सकते हैं, लेकिन लोग या बच्चे हों पानी नहीं पीते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ऊपर अल्लाह देखने वाला है। इसी तर्ज पे ये कैंटीन बनाई गई है। ईमानदारी से बच्चे यहाँ आते हैं, अपने ज़रूरियात के चीज़, खाने पीने की चीज़ ख़रीदते हैं और रकम जमा करते हैं। स्टूडेंट्स का मैनेज, सेल्फ मैनेज करने का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अटेंडर कोई नहीं रहेगा, बच्चे जो यहाँ पर पूरी ईटेबल्स जो भी ज़रूरत के हैं, पैक्ड आइटम क्वालिटी का यहाँ पर मुहैया रखेंगे। बच्चे जो भी होना आकर उठा लेंगे और जाते वक्त इस कैश बॉक्स में अपने आप पैसे डाल के जाने का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अटेंडर कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, यह और इसका मैनेज करने के लिए एक स्टूडेंट की कमेटी बनाई गई है, वो लोग इसको मैनेज करेंगे। ईमानदारी सिखाने के लिए बच्चों को कि अल्लाह देख रहा है। जैसा रमज़ान में बच्चे लोग अल्लाह देख रहा है करके कुछ खाते पीते नहीं, और दूसरे चीज़ों में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत गलत है, चोरी, झूठ वगैरह, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि ईमानदारी के साथ जो भी वो लेंगे वो पैसा डालना, और अल्लाह देख रहा है वो कॉन्सेप्ट पे रहना। और खुदा ना खास्ता कोई लड़की या बच्चा बिना पैसे के अगर उठा रहा है और किसी को मालूम है तो वो भी चाड़ी वगैरह आके चुगली वगैरह कमेटी के सामने या मैनेजमेंट को नहीं बताना।
अपने आप बच्चों को वो खुद एक दूसरे से काउंसलिंग करके अच्छाई सिखाना। देखिए, बच्चों में एक बेदारी लाना है हमको, एक कॉन्सेप्ट, एक ईमानदारी, एक कॉन्सेप्ट आना है कि बग़ैर कोई उसका देखभाल करे, कोई भी शॉपकीपर नहीं, कैश लेने वाला नहीं, और जो चीज़ उनको चाहिए वो देने वाला नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे, बस चीज़ें रख के छोड़ दिए हैं। बच्चे खुद आएंगे, खुद पैसा डालेंगे उसमें और उनको जो चाहे लेके जा सकते हैं। तो एक उनमें एक वो शवर पैदा होगा कि हाँ भाई, ईमानदारी भी एक चीज़ है और इसको हम करना चाहिए, ऐसे ही चलता है। वो चीज़ लाने के लिए बच्चों में ये इंट्रोड्यूस किए हुए हैं और ये कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेसफुल चल रहा है अभी। तो इंशाल्लाह ये चीज़ अब दूसरी जगह भी हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करने के ख्याल में है अभी दूसरे इसमें। बच्चे जो हैं वो खुद बहुत लेके पैसा रखते हैं वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल पैसा रखते हैं। कुछ नहीं, कुछ मॉनिटरिंग नहीं, जितना भी कैश शाम तक आता है पूरा एक जिम्मेदार इनके हवाले करते हैं और वो चेक करते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सेस ही होता है जिनका, जितना हम ये डाला है उसे एक्सेस ही होता है। ये कैंटीन जो है मेरे दोस्त कलीम साहब के जहन की इख्तरा है, ये इट इज़ हिज ब्रेन चाइल्ड। ये कहीं देखे थे तो उस वक्त से इनके जहन में ये बात समाई हुई थी कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए कि बच्चों के अंदर एक ईमानदारी जो है वो पैदा हो, दयानतदारी उनके अंदर आए बच्चों के। तो यहाँ पर बचाएंगे, जैसा कलीम साहब बता रहे थे, बचाएंगे, अपने पसंद की चीज़ लेंगे और पैसे वहाँ बॉक्स में डाल करके निकल जाएंगे। अगर कोई डाल नहीं भी रहा है तो उसके ताल्लुक से आकर जो है कभी कंप्लेंट भी नहीं करनी है, कि वो खुद आपस में काउंसलिंग कर लेना है कि चीज़ गलत है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बच्चे ऐसा करेंगे। बच्चों को एक जनरल टॉप इस पर मौजू पर इस पर एक लेक्चर भी रखा गया था कि ईमानदारी क्या चीज़ है, कैसा है, और फिर वहाँ जो तगड़ा जो लगाया गया है उसी माने यही हैं कि अल्लाह जो तुम कर रहे हो वो सब देख रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। शरारती बच्चे होते हैं हर जगह, लेकिन उनकी भी काउंसलिंग दूसरे बच्चे कर लेते हैं। इसके लिए एक टीम बनाई गई है, ये तमाम तलबा की टीम है, उनके साथ एक टीचर को रखा गया है, वो देख लेने के लिए नहीं, मैनेज करने के लिए कि तमाम चीज़ें बिक गई हैं तो शाम में पैसे उन्हीं के पास जाएंगे, वो खुद दूसरी चीज़ें खरीद करके लाएंगे। और चंद दिनों में फ्रिज वगैरह यहाँ आने वाला, रेफ्रिजरेटर वगैरह आने वाला है मुख्तलिफ़ कंपनियों से, कैडबरीज वगैरह से। कलीम साहब ने बात भी की है तो वो ये लाकर इंस्टॉल जब करेंगे तो इसका और भी जो है बच्चों को फ़ायदा होगा। अच्छा, कैंटीन का रिएक्शन कैसा है? अरे, रिस्पांस इज एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस। बच्चे ऐसा खुश हैं, अब इससे पहले जो थे बच्चे फुटपाथ पर वगैरह जाते, अब जाहिर सी बात है कॉलेज के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे जो हैं उमूमन जो चीज़ नज़र आती है सड़कों पर जो बेची जाती है वो ख़रीद लेते थे। अब कम से कम वो तो नहीं रहेगा, हमारे बच्चे यहाँ से घरों तक जाने तक कोई चीज़ बाहर नहीं ख़रीदेंगे। ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे छोटे से इनिशियल अमाउंट के साथ हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह ये बहुत आगे बढ़ेगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी हॉनेस्टी दिखाएंगे, अपनी ईमानदारी दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह हम सब ज़रूर कामयाब होंगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर। ये बताइए कि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं और कुछ चीज़ ख़रीदते हैं तो कोई देखने वाला तो है नहीं, तो बच्चे क्या आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, सारे लोग क्या पैसे जमा करते हैं ठीक ठाक? It is written there. Can you see that? It is a Quranic verse which says that when no one sees you, but there is Allah who is always looking at you. So no one can do any dishonesty here. And it is even said that who is not able to pay money, we should not ask to them. Not everyone, but some are who cannot afford the money. We should not ask them. देखिए, यहाँ की ख़ास बात ये भी है कि अगर कोई साथी, स्टूडेंट का कोई दोस्त, कोई साथी पैसे जमा नहीं करता है, अगर वो चीज़ें लेने के बाद में पैसे जमा नहीं करता है, तो इसकी शिकायत मैनेजमेंट को नहीं करनी है, बल्कि उसके लिए एक स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनाई गई है और वही कमेटी उनके काउंसलिंग करती है कि वो इस तरह से ना करें। और इस कैंटीन में मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक आयत लगाई हुई है जिसमें कहा गया है कि सब कुछ देखने वाला अल्लाह है, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ शक नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। ये पूरी एक आयत है, उसमें लगाई गई है बच्चों को ये बताने के लिए कि अकेले में भी जो है अल्लाह देखने वाला है। ये एक जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिक है और इस तरह का कॉन्सेप्ट तमाम इदारों में लाने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, कोलार।